हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। संचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वह शैतान ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने शैतान को नीचे फेंक दिया था, और आज वही शैतानी दुष्टात्मा हर एक मनुष्य को ढूंढती है कि इसको फाड़ खाएं। बाइबल हमें बताती है, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसे अभी छोड़ दो, गुड बाय बोल दो, वरना यही हस्ती आपको एक दिन नरक में ले जाएगी। इस संसार का ईश्वर इंगित करता है क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर में चिन्हे हुए का न्याय करें। संसारिक जीवन मत बिताओ क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय करे। मन फिरा लो, अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आपको नरक जाने से। क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमेश्वर आपको इस 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा, और फिर उसके बाद उसी आधार पर परमेश्वर उसको नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा? कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो आपको वहाँ से कोई निकालने नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जी बैठेगी। यीशु ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो। एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, उस मनुष्य को नहीं चुना है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर कि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु साफ कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर श्वेत सिंहासन के सामने, तब वही लिस्ट खोलकर आपको दिखाया जाएगा। तब वहाँ कोई क्षमा नहीं, केवल वहाँ न्याय किया जाएगा, और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको नरक में डाल देंगे। स्वर्गदूत खींच तान कर नरक में फेंक देंगे। इतनी भयानक सजा, इतना हाहाकार मचा होगा। आज लोग यीशु मसीह को खिलौना बना के रख दिया है कि यीशु है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। तब आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। तब आग भी जलाएंगे और कीड़े भी काटेंगे। यीशु ने कहा था, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। इतनी भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आज सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से नीचे लात मार कर नीचे गिरा दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे गिरा दिया था, और वही सेनाएं हर स्थानों पर अपनी जगह बनाकर बैठ गई हैं, जैसा लिखा हुआ यशायाह के पुस्तक में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तो जो जाति जात को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है? परमेश्वर ने शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था। परमेश्वर ने उसे इतना शक्तिशाली और सुंदर बनाया था कि उसे धीरे धीरे घमंड आने लगा। परमेश्वर ने उसे एक करूब के रूप में रचा था। वह अपनी सुंदरता के कारण और पद के कारण घमंड से भर गया, और वह परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। परमेश्वर जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था, मगर वह परमेश्वर है, और उससे और उसकी सारी सेना को पृथ्वी पर फेंक दिया था, और वही सारी सेनाएं अब दुष्ट आत्माएं बन गई हैं। और शैतान को गिरने से पहले का नाम दिया गया था, और उसका नाम लूसीफर है, और उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही कर दिया था, जैसा प्रकाशित वाक्य 20:14-15 वचन में लिखा हुआ है। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और संसारिक जीवन बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर उसको आग की झील में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा, जहाँ आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे, बड़े बड़े कीड़े होंगे। फिर उसे वहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो हमेशा के लिए गए। अभी समय है, बचा लो अपने आपको नरक जाने से, और यीशु मसीह के पास लौटो, आपको माफ कर देगा।
क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नर्क में डालना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नर्क में जाएं, परमेश्वर ये नहीं चाहता। अभी छोड़ दो, गंदी लते छोड़ दो और यीशु मसीह के पास लौट आओ। घुटने टेकिए, गिड़गिड़ाते चिल्लाते हुए परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इस वीडियो को दबा के शेयर करना।